अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर तरीके से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और इतना प्यारा मौसम था, मैंने सोचा जरा एक वीडियो ही बनाई जाए। और आपकी तरफ मौसम कैसा है? ओ ये देखिए, उम्मीद है आपकी तरफ भी हवा चल रही होगी। और मैं आप सबसे एक बात से एक बात में नाराज हूँ कि यार मेरी आप वीडियो को पूरा नहीं देखते। प्लीज़ जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका तो थैंक यू सो मच, और जो नहीं कर उनका भी थैंक यू सो मच, क्या कह सकते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, प्लीज़ शेयर किया करें, कि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और जब सब्सक्राइबर नहीं आते, वीडियो चलती नहीं, तो दिल ही नहीं करता सच्ची में वीडियो बनाने को। और क्या बताऊँ आप, फिर आज दिल किया कि मौसम थोड़ा ठंडा है और दिमाग भी थोड़ा ठंडा, तो सोचा आज वीडियो बना लो और दोस्तों से गपशप हो जाए। बाकी थैंक यू सो मच जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, यार इतने ज़्यादा फैंस है लेकिन सब्सक्राइबर की थोड़ी चीज़ है। हर बंदा जो मकान वगैरह बना रहा है अपने अपनी जो रेत है उसके ऊपर पानी वो कर रहा है। हमारे छत का हमारे ये जंगल वगैरह बने हुए थे, वो है सारे ये ब्लॉक वगैरह उतार दिए। बाकी वो घर वाली दीवार मैंने तोड़ दी थी, अब ये भी पूरा छत जो है हो गया। और अब इसकी सफाई घर वाले आज कह रहे थे, शुक्र है आंधी आ गई और हम बच गए। बाकी और आप बताएं, और कोशिश करती हूँ कि आप सबसे गपशप हो जाए और करती भी हूँ खैर। तो बाकी ये है कि कभी टाइम मिल जाता है, कभी घर वाले जाए की बात है, घर के भी इतने काम होते हैं तो उस वजह से ना थोड़ा मसला बन जाता है। इतनी मट्टी है कि मुंह में जा रही है, क्या बताऊं मैं आपको। ये देखें गाइस, मेरे नींबू पे छोटे छोटे नींबू लगना शुरू हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह, बहुत की सारी तो सब्जी सड़ वगैरह गई है बेचारी। और ये कल मैंने इससे बड़ा था छत पे आई तो एक इससे बड़ा है जो नींबू था वो तोड़ के खा लिया, इतना खट्टा, ओ माय गॉड। अच्छा एक और बात आप लोगों से कहनी थी कि पिछली ईद पे तो मैंने आप सब से कोई ईदी का बोला नहीं, और इस ईद पे मुझे आप सब से ईद चाहिए। और जिसने मुझे ईद भेजी उसका बकायदा मैं वीडियो में नाम भी मेंशन करूँ कि इस फ्रेंड ने मुझे ईदी भेजी है। और पिछली दफ़ा तो मैं कहती थी छोड़ो या फ्रेंड से क्या लेना, लेकिन इस दफ़ा एक सबसे चाहिए, चलो इतना से ही और कुर्बानी का गोश्त भेज देना, ठीक है। और हम अब इतना तो घर के हालात इस तरह के नहीं है कि इस दफ़ा कुर्बानी वगैरह का सिलसिला हो सके, वो कोई नहीं है, आप सबसे चाहिए। बाकी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मेरी भी मदद करे और मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो जाए। और सबसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ मेरी सपोर्ट करें, मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवा दें। बाकी के बाकी वॉच टाइम का मसला रह जाएगा, वो भी अल्लाह करेगा कोई वीडियो चल पड़ी तो वो भी पूरा हो जाएगा, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो 1000 सब्सक्राइबर की है। और आपके लगता है कि 4000 घंटा वॉच टाइम चाहिए, तो प्लीज़ अगर आपकी सपोर्ट हो तो कोई देर नहीं। और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप सब फ्रेंड्स जो है ना करेंगे। बाकी क्या
इतनी हवा आ रही है लेकिन मक्खियाँ फिर भी यहाँ जा रही हैं आसपास। और आज मैंने बनाए, मैं छप पे आ गई हूँ, आलू और चावल। हमारे घर में चावल बड़ी पसंद किए जाते हैं, और दूसरे दिन चावल, चाहे अब मेरा ख़राब भी हो जाए लेकिन चावल दूर बनते हैं। और क्या मुझे वो आहिस्ता आहिस्ता शायद बातें भी आ जाएंगी, जैसे स्टल्ले कहते हैं छोड़ने आ जाएंगे। शुक्र तो कोई स्टल्ला नहीं आता। और थैंक यू सो मच फिर से एक बार फिर उनका दिल से शुक्रिया। जो नहीं भी जा रहे उनका भी थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। अब सबसे रिक्वेस्ट किया जो मैंने पास में, मतलब जिसने मेरी पूरी वीडियो देखी उसको तो पता होगा कि मैंने आज क्या बात की। आपको पता ही, प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पूरी वीडियो वॉच किया करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चलो जी, इंशाल्लाह उम्मीद है आज का व्लॉग आपको बोरिंग नहीं लगा होगा, पसंद आया होगा। और अगले व्लॉग तक देखिएगा, ज़्यादा सपोर्ट किया ना, सपोर्ट करो तो मैं रोजाना व्लॉग। आप लोग की सपोर्ट ही होती तो मेरा दिल नहीं करता, कि मेरे फ्रेंड ही सपोर्ट नहीं करते, कहते नहीं कि आप प्लीज़ आओ जी वीडियो डालो, मेरा जी मतलब वीडियो आपकी नहीं आती, आप ये कहते नहीं फिर मैं वीडियो बनाती नहीं। अब जब होगी कि आपकी वीडियो रोज़ाना आई तो मैं रोज़ाना बनाऊँगी, लेकिन जब आप देखोगे आप देखते नहीं। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी तो सॉरी, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह।